अस्सलामु अलैकुम बच्चों, वेलकम टू पाइस क्लासरूम। आज हम क्लास 5 की साइंस के चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक नंबर 1.3 जानवरों की जमातबंदी और खसूसियात क्लासिफिकेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम पिछले टॉपिक के बारे में कुछ रिवाइज करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स और द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। जी तो स्टूडेंट्स, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं? यस, हुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाए, एनिमिलिया, प्लांटी। बच्चों, सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स कौन कौन से होते हैं। जानवरों की जमातबंदी और खसूसियात क्लासिफिकेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। जानवरों को दो बड़े ग्रुपों में तकसीम किया जा सकता है, यानी फिकारिया वर्टिब्रेट्स और गैर फिकारिया इनवर्टिब्रेट्स जानवर। फिकारिया जानवर वर्टिब्रेट्स। फिकारिया जानवर रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं। फिकारिया यानी वर्टिब्रेट्स को मजीद 5 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। ममालिया जानवर यानी मैमल्स, इंसान, गाय, बकरियां, गधे, घोड़े, टाइगर्स, बिलियां, खरगोश वगैरह का ताल्लुक फिकारिया जानवरों के एक ग्रोह से है। जानदारों की जमातबंदी, जिन्हें ममालिया जानवर यानी मैमल्स कहते हैं। शक्ल 1.6, इन जानवरों के अजसाम पर फर या बाल होते हैं। अक्सर ममालिया जानवरों के बच्चे अपनी माँ के पेट में नमो पाते हैं। इनके बच्चे अपनी माँ के दूध पर परवरिश पाते हैं। पॉइंट टू पॉन्डर, सरगर्मी 1.1, अपनी उंगलियों से अपनी पुश्त के दरमियानी हिस्से को छुएं। क्या आपके जिस्म में रीढ़ की हड्डी मौजूद है? क्या आप फिकारिया जानवर हैं या गैर फिकारिया? आप ये एक्टिविटी करें, हम इसका जवाब थोड़ी देर में देते हैं। ओह यस बच्चों, हम सब फिकारिया यानी वर्टिब्रेट्स हैं। स्टूडेंट्स, चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। मैमल्स ममालिया। मैमल्स जानवरों की एक किस्म है। ये हर जगह मिल सकते हैं, पानी के अंदर, जमीन पर, हत्ता के हवा में भी। सब मैमल्स में रीढ़ की हड्डी, गर्म खून और बाल या फर होते हैं। यहाँ मैमल्स की कुछ मिसालें दी गई हैं। चीता, व्हेल, शेर, बंदर, हिरन, खरगोश, हाथी, खारपुश, समुद्री शेर और इंसान। देखने का शुक्रिया। क्या आप जानते हैं, ममालिया जानवरों के जिस्म पर बालों या फर का इन्हिसार उनके माहौल की आबो हवा पर है। कुतबी रीछ यानी पोलर बियर यखबस्ता आबो हवा में रहता है। उसके जिस्म पर फर की एक मोटी तह होती है। उसके बरक्स हाथी गर्म आबो हवा वाले इलाकों में पाया जाता है, इसलिए उसे बालों या फर की मोटी तह की जरूरत नहीं होती। क्या आप जानते हैं, व्हेल और डॉल्फिन भी ममालिया जानवर हैं। ब्लू व्हेल को दुनिया का सबसे बड़ा जानवर माना जाता है। उसकी लंबाई करीबन 35 मीटर और वजन करीबन 120 टन होता है। नाबीना अंधी इंडस डॉल्फिन, जिसे सूसो भी कहते हैं, पाकिस्तान की दरियाई डॉल्फिन है, जो सिवाय पाकिस्तान के दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। डू यू नो, इंसान, बंदर, गुरिला और चिंपैंजी जहीन ममालिया जानवर कहलाते हैं। उनका दिमाग बड़ा होता है। चमगादड़ उड़ने वाले ममालिया जानवर हैं। पॉइंट टू पॉन्डर, मुख्तलिफ परिंदों में चूंच की अशकाल मुख्तलिफ क्यों होती हैं? जरा सोचिए बच्चों, इसका जवाब हम टेक्स्ट बुक से मुतालिया करने के बाद करेंगे। आइए टेक्स्ट बुक से मुतालिया करते हैं। परिंदे बर्ड्स, चिड़िया, कौवे, तोते, कबूतर, रॉबिन, मुर्गी और फाख्ता वगैरह फिकारिया जानवरों के ऐसे ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं जिन्हें परिंदे कहा जाता है। शक्ल 1.7, परिंदों के पर यानी फीडर्स और चोंच यानी बीक होती है। उनकी हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं और उनमें हवा की थैलियां होती हैं, इसलिए उनका वजन कम होता है। बास परिंदे मसलन कीवी और शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच उड़ने के काबिल नहीं होते, इसलिए उन्हें दौड़ने वाले परिंदे यानी रनिंग बर्ड्स कहते हैं।
परिंदे अंडे देते हैं जिन पर खोल होता है और अंडों से बच्चे निकलते हैं। हमने सब बच्चों से पूछा था कि मुख्तलिफ परिंदों में चूंच की अशकाल मुख्तलिफ होती है, क्यों? आप ये जानकर हैरान होंगे कि परिंदे की चोंच उनके फूड और उनके साइज और उनके लाइफस्टाइल की वजह से मुख्तलिफ होती है। जैसा कि ये परिंदा फूलों से रस चूसता है इसीलिए इसकी चोंच लंबी है। ये परिंदा बीज या अनाज खाते हैं लिहाजा इनके लिए छोटी चोंच काफी है। आपको मालूम होना चाहिए कि उल्लू बड़ी आंखों वाला परिंदा है, कीवी और शुतुरमुर्ग दौड़ने वाले परिंदे हैं, बतख तैरने वाला परिंदा है, पेंगुइन बर्फ पर रहने वाला परिंदा है, हुदहुद या वुडपेकर ऐसा परिंदा है जो दरख्तों के तने को खोदकर सुराख बनाता है जिसमें वो रहता है। क्या आप जानते हैं बच्चों, हमिंगबर्ड सबसे छोटा परिंदा है। शाहीन यानी ईगल बड़े दरख्तों या चट्टानों पर रहता है। आमतौर पर ये अपने घोंसले दरियाओं और झीलों के करीब बनाता है ताकि वो आसानी से गोता लगाकर अपनी खुराक यानी मछली वगैरह को पकड़ सके। बाज यानी हॉक शिकारी परिंदा है। पॉइंट टू पॉन्डर, जमाने कदीम में सबसे बड़े रेप्टाइल्स किसको कहते थे? वाओ, बिल्कुल सही पहचाना, डायनासोर को कहते थे। चलिए एक और एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। वर्टिब्रेट ऐसे जानवर होते हैं जिनकी बैकबोन होती है। वर्टिब्रेट्स की 5 दर्जा बंदियां हैं। इनमें से 2 वार्म ब्लडेड जो कि मैमल्स और बर्ड्स हैं, जबकि 3 कोल्ड ब्लडेड जानवर हैं जिनमें फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स शामिल हैं। पहली किस्म मैमल्स है। मैमल्स पर इनकी जिंदगी में किसी मौके पर बाल या फर होते हैं और पैदा होने के बाद इनको इनकी माँ की तरफ से परवरिश के लिए दूध मिलता है। दूसरी किस्म बर्ड्स है। बर्ड्स सख्त खोल वाले अंडों में से निकलते हैं और इनके जिस्मों पर पंख होते हैं। तीसरी किस्म फिश है। फिश अंडों में से निकलती है और ये गलफड़ों के जरिए सांस लेती है। चौथी किस्म एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस नर्म अंडों में से निकलते हैं। ये अपनी जिंदगी पानी में शुरू करते हैं, फिर इनके फेफड़े बनते हैं और जमीन पर जिंदगी बसर करते हैं। पांचवी किस्म रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल्स सख्त अंडों से निकलते हैं और इनकी छिलकेदार जिल्द होती है। मैमल्स, बर्ड्स, फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स वर्टिब्रेट्स की 5 बुनियादी दर्जा बंदियां हैं। चलिए अब टेक्स्ट बुक से मजीद रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ते हैं। रेंगने वाले जानवर रेप्टाइल्स, छिपकलियां, सांप, कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल यानी एलिगेटर्स वगैरह का ताल्लुक फिकारिया जानवरों के ऐसे गिरोह से है जो रेंगने वाले जानवर कहलाते हैं। शक्ल 1:8। रेंगने वाले जानवरों की जिल्द मोटी, खुरदरी और खुश्क होती है जो इनके जिस्म को ढांपे रखती है और जिस्म की बैरूनी असरात से हिफाजत करती है। रेप्टाइल्स खुश्की पर अंडे देते हैं। उनके अंडों के गिर्द चमड़े की तरह का खोल होता है जो उनको खुश्क नहीं होने देता। अंडों के जरिए ही ये अपनी तौलीद करते हैं। रेंगने वाले जानवरों की 4 टांगे होती हैं, मगर सांपों की टांगे नहीं होती। एम्फीबिया, मेंढक, टोड, सेलेमेंडर वगैरह का ताल्लुक पिकारिया जानवरों के ऐसे गिरोह से है जिन्हें एम्फीबिया कहा जाता है। शक्ल 1:9। इनकी 4 टांगे होती हैं। एम्फीबिया खुश्की और पानी दोनों में रह सकते हैं। ये जिल्द और फेफड़ों के जरिए सांस लेते हैं। इनकी जिल्द अमूमन ढीली ढाली और नमदार होती है। इनमें से बेशतर अपनी बालिग जिंदगी खुश्की पर गुजारते हैं, मगर अंडे देने के लिए पानी में चले जाते हैं। एम्फीबियंस के अंडे झिल्ली के अंदर मोतियों की तरह नजर आते हैं। अंडों के गिर्द सखोल नहीं होता और ये नरम मुलायम होते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आपको मालूम है सर्दी के मौसम में एम्फीबियंस अपने आप को सर्दी से महफूज रखने के लिए कीचड़ में दफन कर लेते थे और लंबे अरसे तक सोए रहते थे। मछलियाँ, फिशेज। दुनिया के तूलो अर्ज में तकरीबन 25,000 से ज्यादा मुख्तलिफ अकसाम की मछलियाँ पाई जाती हैं। शक्ल 1:10। मछलियाँ पानी में रहती हैं। उनके जिस्म दोनों सिरों से पतले और दरमियान में मोटे यानी स्ट्रीम लाइंड होते हैं। उनके जिस्म की ये बनावट पानी में तेज तैरने के लिए निहायत मौजूद होती है। मछलियों में फिन्स और दूम होती है जो उन्हें तैरने में मदद देती है। उनके जिल्द पर हिफाजत के लिए सख्त किस्म के छिलके यानी स्केल्स होते हैं। पानी के अंदर मछलियाँ गिलफड़ों यानी गिल्स के जरिए सांस लेती हैं। ज्यादातर मछलियाँ अंडों के जरिए
तोलीदी अमल सर अंजाम देती हैं। एक और एक्टिविटी करते हैं, सरगर्मी 1.3। फेफड़ों के जरिए सांस लेने वाले जानवर के नाम के साथ दिए गए खाने में एल और गिलफड़ों के जरिए सांस लेने वाले जानवर के नाम के साथ खाने में जी लिखें। छिपली, शार्क, चिड़िया, भेड़। बच्चों, आपने किन पे एल मार्क किया? यस, छिपकली, चिड़िया और भेड़ फेफड़ों से सांस लेते हैं, जबकि शार्क गिलफड़ों यानी गिल्स से सांस लेती है। एक सिमुलेशन देखते हैं। यहाँ आपको मुख्तलिफ जानदार नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं इनका ताल्लुक किस ग्रुप से है। मेंढक का ताल्लुक फिकारिया जानवरों के ग्रुप एम्फिबियन से है। ये पानी और खुश्की दोनों जगह पे रहते हैं। मछली, ये भी फिकारिया जानवर है, ये पानी में रहती है। हाथी और बिल्ली दोनों फिकारिया जानवरों के ग्रुप मेमालिया से ताल्लुक रखते हैं, ये खुश्की पे रहते हैं। मगरमच्छ, ये फिकारिया जानवरों के ग्रुप रेप्टाइल से ताल्लुक रखता है, ये पानी और खुश्की दोनों जगहों पर रहता है। कुत्ता, ये फिकारिया जानवरों के ग्रुप मैमल से ताल्लुक रखता है, ये खुश्की पे रहता है। कछुआ, ये फिकारिया जानवरों के ग्रुप रेप्टाइल से ताल्लुक रखता है, ये पानी और खुश्की दोनों जगह पर रहता है। बंदर, ये भी फिकारिया जानवरों के ग्रुप मैमल से ताल्लुक रखता है, ये भी खुश्की पर रहता है।